मोनोपोली गेम कैसे खेलते हैं। मोनोपोली 2 से 8 प्लेयर्स खेल सकते हैं। प्रॉपर्टी को बाय सेल और रेंट करके गेम का सबसे अमीर प्लेयर बनना होता है। कि मोनोपोली खेलने के लिए क्या क्या चाहिए। मोनोपोली बोर्ड, 2 6-sided dice, हर प्लेयर के लिए टोकन्स और 32 houses, 12 होटल्स, 16 chances और 16 community chest cards और हर प्रॉपर्टी के लिए 28 title deed cards और मनी। वही सबसे पहले किसी को एक बैंकर चूज करें। अगर वो बंदा भी खेल रहा है तो उसको अपने पर्सनल फंड्स को बैंक से अलग रखना होगा। वही बैंक से बिलोंग करने वाली सारी प्रॉपर्टी, मनी, हाउसेस और होटल्स का चार्ज इस बंदे के पास रहेगा। मैं आपको बता दूं, बैंक सैलरी और बोनस पे करता है। बैंक सभी टैक्सेस, फाइन्स, लोन्स और इंटरेस्ट कलेक्ट करता है और उन प्रॉपर्टीज का प्राइस भी जो बैंक सेल या ऑक्शन करता है। बैंक कभी भी ब्रोकर नहीं हो सकता। अगर बैंक आउट ऑफ मनी हो जाता है तो बैंक जितना हो सके उतना ऑर्डिनरी पेपर्स पर लिखकर इशू कर सकता है। चलिए बात करते हैं गेम के सेटअप के बारे में। फ्रेंड्स, मोनोपोली बोर्ड को एक टेबल पर रखें और फिर चांस और कम्युनिटी चेस कार्ड्स को बोर्ड पर अलॉटेड प्लेस पर उल्टा प्लेस करें। और देखिए, हर प्लेयर बोर्ड पर मूव करने के लिए एक टोकन सेलेक्ट करता है और हर टोकन गो स्पेस से स्टार्ट होता है। और वही गेम शुरू होने से पहले बैंक सभी प्लेयर्स को स्टार्टिंग मनी देता है। और दोस्तों, हर प्लेयर को कुछ इस तरह से डिवाइड करके $1500 दिए जाते हैं। 2 × $500, 2 × $100, 6 × $25, 5 × $5 एंड 5 × $1। पहले इस गेम को कौन खेलता है? देखिए, बैंकर से स्टार्ट होते हुए सभी प्लेयर्स दोनों डाइस को थ्रो करते हैं। जो प्लेयर दोनों डाइस पर हाईएस्ट नंबर्स रोल करता है भाई, वो पहले खेलता है और उसी प्लेयर से क्लॉकवाइज गेम स्टार्ट हो जाता है। अब गेम करते हैं शुरू। दोस्तों, सभी प्लेयर्स गो पर अपना टोकन प्लेस करते हैं और अपनी बारी आने पर प्लेयर्स 2 dice रोल करते हैं और रोल्ड वैल्यू के नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने टोकन को मूव करते हैं। और देखिए, जिस जगह पर टोकन लैंड करेगा ना, उस जगह के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, मोनोपोली में डिफरेंट तरह के स्पेसेस होते हैं। उनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप बाय या रेंट पर ले सकते हैं। और देखिए, प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है वो स्पेस के नीचे लिस्टेड होता है। लेकिन कई बार इनमें से आपको 2 decks में से एक कार्ड को ड्रॉ करना, मनी कलेक्ट करना, जेल जाना भी होता है। गो। तो दोस्तों, जितनी बार प्लेयर गो स्पेस पर लैंड करेगा या फिर उसको पास करता है तो उसको बैंकर $200 देगा। बात करते हैं फ्री पार्किंग के बारे में। भाई, एक बंदा फ्री पार्किंग पर लैंड करता है तो कुछ भी नहीं होता है। इनकम टैक्स की एक टैक्स स्पेस पर लैंड करने पर प्लेयर को डिस्क्राइब टैक्स पे करना पड़ता है। बात करते हैं चांस के बारे में। तो दोस्तों, चांस स्पेस पर लैंड करने पर प्लेयर को एक चांस कार्ड ड्रॉ करना होता है। कम्युनिटी चेस्ट। दोस्तों, एक कम्युनिटी चेस्ट स्पेस पर लैंड करने पर कम्युनिटी चेस्ट कार्ड ड्रॉ करना होता है। कम्युनिटी चेस्ट पर डिस्क्राइब एक्शन को कंप्लीट करने के बाद कार्ड को नीचे ढेर में वापस रख दिया जाता है। जेल। दोस्तों, जेल स्पेस लैंड करने पर कुछ नहीं होता, ये बस एक विजिट होती है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्लेयर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेरे दोस्त, अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की प्रॉपर्टी पर लैंड कर जाता है तो उस प्लेयर को रेंट पे करना पड़ता है और जो पे करने का अमाउंट होता है ना, वो प्रॉपर्टी कार्ड पर लिस्टेड होता है। जेल जाना। देखिए, इस गेम के अंदर जेल भेजने के 3 कारण होते हैं। पहला, गो टू जेल स्पेस पर लैंड करने से, तब आप जा सकते हैं। दूसरा, गो टू जेल कार्ड ड्रॉ करने से। और तीसरा, 3 बार एक ही रो में डबल रोल करने पर। जेल से आने के 4 रास्ते होते हैं। पहला, डाइस को रोल करने से पहले $50 पे करें। दूसरा, डाइस को रोल करने से पहले गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड का यूज करें। तीसरा, डबल्स रोल करें। चौथा, 3 failed double rolls के अटेम्प्ट के बाद आपको $50 पे करके जेल से बाहर आना ही होगा। और देखिए, जेल से बाहर आने के बाद डाइस के नंबर्स के अकॉर्डिंग मूव करें, ठीक है। और जेल में भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाय सेल या अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठाट है आपके। हमारे दोस्त, जेल स्पेस पर लैंड करने से आप जेल में नहीं जाओगे। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। दोस्तों, आप गेम को किसी भी टाइम एंड करके सभी प्लेयर्स की नेटवर्थ को टैली कर सकते हैं। आप तब तक इस गेम को खेल सकते हैं जब तक कोई प्लेयर बैंकरप्ट नहीं हो जाता। और भाई, बैंकरप्सी तब होती है जब कोई प्लेयर उससे ज्यादा कर्जदार हो जाता है जितना कि वो पे कर सकता है। आपको अपना सारा पैसा और टाइटल डीड्स बैंक को या उस प्लेयर को टर्नओवर करना होता है जिससे आपका डेब्ट या कर्ज चल रहा हो। और भाई, बैंकरप्ट होने के बाद कोई भी प्लेयर गेम का पार्ट नहीं रहता, ये याद रखिएगा। लास्ट प्लेयर या सबसे ज्यादा पैसे वाला प्लेयर गेम का विनर होता है। और दोस्तों, मोनोपोली गेम के कुछ बेसिक रूल्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या सिंपली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मोनोपोली रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस को चेक करें। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।